Hello students, welcome to social science class. In the last video we have started history chapter 3, nationalism in India, in which we have covered the meaning of nationalism, effects of first world war, idea of satyagraha, Rowlatt act and Jallianwala Bagh incident. Now in this video we are going to cover non-cooperation movement. So we were doing that as the news of Jallianwala Bagh incident spread, crowd from many parts of the city attacked on the government buildings. और जब लोगों ने British buildings के ऊपर attack करना शुरू कर दिया तो British government ने भी peaceful सत्याग्रहीज को पकड़ कर उनको humiliate करना शुरू कर दिया. ज़बरदस्ती उनकी nose ground पर rub करवाई गई and General Dyer issued the crawling order. You can see the picture here that General Dyer's crawling order being administered by British soldiers, Amritsar, Punjab, 1919. और जब महात्मा गांधी ने देखा कि चारों तरफ वायलेंस फैल चुका है तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट बंद कर दिया. अब रॉलेट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था बट स्टिल इट वॉज लिमिटेड टू सम सिटीज़ एंड टाउन्स. महात्मा गांधी को लगा कि उनको एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने की ज़रूरत है और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हिंदूज़ और मुस्लिम्स एक साथ हो जाएं. और हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक साथ करने का एक मेथड था, दैट वाज खिलाफत इशू. अब खिलाफत इशू क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरे यूरोप ने पार्टिसिपेट किया और ईस्टर्न यूरोप में ओटोमन एम्पायर था. ओटोमन एक मुस्लिम रूलर था जिसका नाम था खलीफा एंड ही वॉज द टेम्पोरल पावर एज वेल एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. मीन्स कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का पॉलिटिकल लीडर भी था और स्पिरिचुअल लीडर भी था. और ये र्यूमर फैल चुकी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके ऊपर बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज की गई है. जैसे आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज की गई, मींस पेनल्टी लगाई गई. क्योंकि जब दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है तो जो भी उस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जो हार जाता है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है. तो इसी तरीके से ओटोमन एम्पायर के ऊपर भी बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज की गई. तो उसको डिफेंड करने के लिए इंडिया में बॉम्बे में दो मुस्लिम लीडर्स थे, दो भाई थे, ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली. उन दोनों ने एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की इन ऑर्डर टू डिफेंड दी स्पिरिचुअल हेड खलीफा. अब खिलाफत कमेटी फॉर्म करने के बाद मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली महात्मा गांधी के पास गए इन ऑर्डर टू डिस्कस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द खिलाफत इशू. मीन्स मुस्लिम लीडर्स चाहते थे कि खिलाफत इशू में हिंदूज़ भी मुस्लिम्स का साथ दें, क्योंकि अगर हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों मिलकर फंड इकट्ठा करेंगे तो ओटोमन एम्पायर की ज़्यादा हेल्प हो पाएगी. तो इस मैटर को डिस्कस करने के लिए वो महात्मा गांधी के पास गए. और जब महात्मा गांधी ने इस चीज़ के बारे में सुना तो उनको ये अपॉर्चुनिटी लगी कि अगर इस वक्त हिंदूज़ मुस्लिम्स की हेल्प करेंगे तो इन रिटर्न मुस्लिम्स भी उनकी नेशनल मूवमेंट में हेल्प करेंगे. तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए दे हेल्ड द कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सेप्टेम्बर 1920 एंड कन्विंस्ड द अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नया मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसका नाम क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. और उसके ड्यूल ऑब्जेक्टिव होंगे, दो ऑब्जेक्टिव होंगे, खिलाफत एज वेल एज स्वराज. कैलकटा सेशन इन सितंबर 1920, दिस इज़ योर मैप सिलेबस. ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस आएंगे, उसका ईयर मंथ गिवन होगा, सो यू विल मार्क फॉर द मैप पर्पस. नाउ व्हाई नॉन कोऑपरेशन. अब महात्मा गांधी ने अपनी एक फेमस बुक हिंद स्वराज में लिखा था दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स. अगर इंडियंस कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा. नाउ हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट.
गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, कि मूवमेंट स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस में ओपन होगा. इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स. सबसे पहले जितने भी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को टाइटल्स अवार्ड किए हैं जैसे राव बहादुर, तो वो सारे वापस किए जाएंगे, सरेंडर किए जाएंगे. देन बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में लोग काम कर रहे हैं वो भी बायकॉट कर देंगे, छोड़ देंगे. स्कूल्स ऑल्सो, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं. एंड फॉरेन गुड्स, दे विल नॉट यूज़ दी फॉरेन गुड्स कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर. देन इन केस दी गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड. और अगर गवर्नमेंट ने फिर से लोगों के ऊपर अटैक किया तो फुल सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दिया जाएगा. सो दिस वॉज द प्लान फॉर द नॉन कोऑपरेशन. एंड थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूअर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट. अब इस मूवमेंट के लिए लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे इंडिया में टूर किया इन ऑर्डर टू गैदर द सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट. मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल. दे वर रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920. अब गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का प्रपोजल बनाया उसके लिए कांग्रेस मेंबर्स कन्विंस्ड थे, कंसर्न्ड थे, लेकिन एक चीज़ के लिए वो मना कर रहे थे, दैट वाज बायकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस. क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि एक काउंसिल इलेक्शंस ही तो हैं जिसके थ्रू इंडियंस के हाथ में थोड़ी पावर आती है, अदरवाइज टोटल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही है. सो दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वॉयलेंस. और उनको इस चीज़ का भी डर था कि कहीं ये भी मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट की तरह वॉयलेंट ना हो जाए और बीच में ही बंद करना ना पड़ जाए. सो इन द मंथ बिटवीन सेप्टेम्बर एंड डिसम्बर देयर वॉज इंटेंस टशल विद इन द कांग्रेस. तो ये तीन महीने कांग्रेस पार्टी के विद इन टशल चलती रही, एक फाइट चलती रही बिटवीन द सपोर्टर और द ओपोनेंट ऑफ द मूवमेंट. एंड फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट. और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कोई मीटिंग पॉइंट, कोई कॉम्प्रोमाइज होगा. बट फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड. और फाइनली नागपुर सेशन में कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, सभी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट कर देंगे. जो पहले मना कर रहे थे बायकॉट करने के लिए, अब वो भी रेडी हो गए कि वो बायकॉट करेंगे. नाउ हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड. अब गांधी जी ने मूवमेंट प्लान तो कर लिया, लेकिन कैसे वो ओपन हुआ, किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नॉन कोऑपरेशन को क्या समझा, सो दिस इज़ वन ऑफ द पिक्चर रिलेटेड टू द बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पिनिंग व्हील वॉज ऑल्सो डन. इसलिए स्पिनिंग व्हील का डेमोन्स्ट्रेट किया गया बिकॉज इट वॉज द सिम्बल ऑफ सेल्फ हेल्प. अगर लोग फॉरन क्लोथ को बायकॉट करेंगे तो ऑल्टरनेटिवली उनको कपड़ा बनाना भी आना चाहिए. नाउ डिफरेंट स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट बट ऑल विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशंस. मीन्स सबके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब अलग था. द मूवमेंट इन द टाउन्स. सबसे पहले मूवमेंट टाउन्स से स्टार्ट हुआ विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल. थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड. सभी बच्चों ने और हेड मास्टर्स, टीचर्स, जो भी ब्रिटिश रनिंग स्कूल्स में जा रहे थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया. एंड दे बायकॉटेड विद द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन. लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. लॉयर्स भी जो ब्रिटिश कोर्ट्स में काम कर रहे थे दे बायकॉटेड. द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास वेयर जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर समथिंग दैट यूजली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू. अब हर जगह काउंसिल इलेक्शंस भी बायकॉट कर दिए गए, सिर्फ एक जगह मद्रास में जस्टिस पार्टी ने बायकॉट नहीं किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया क्योंकि जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मिन्स की थी.
उस टाइम पे इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, ब्राह्मिन्स हाई कास्ट मानी जाती थी और बाकी वो नॉन ब्राह्मिन्स थे जो लो कास्ट के थे। उनको ऐसे लगा कि इस बार ब्राह्मिन्स जो हैं वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेट, वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके कुछ पावर गेन कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हमेशा पावर ब्राह्मिन्स के हाथ में आती है। इस बार क्योंकि ब्राह्मिन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं काउंसिल इलेक्शंस में, उनके हाथ में कुछ पावर आ जाएगी, सो दैट्स वाई दे पार्टिसिपेटेड इन दी काउंसिल इलेक्शंस। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। फॉरन गुड्स वर बायकॉटेड, लीकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरन क्लोथ बर्नड इन ह्यूज बोन फायर्स। अब नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बहुत ड्रामेटिक हुआ, क्योंकि फॉरन गुड्स बायकॉट कर दी गई, लीकर भी जो फॉरन से आती थी देयर शॉप्स वर पिकेटेड, मीन्स कि उनकी एंट्री जो थी वो ब्लॉक कर दी गई, और फॉरेन क्लोथ जो था वो बोन फायर में जलाया गया। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 टू 1922, और इतना ज़्यादा बायोकॉट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि इम्पोर्ट जो था वो हाफ हो गया, फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, एंड इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारे बिजनेसमैन मर्चेंट्स जो कि फॉरेन गुड्स में ट्रेड करते थे या फॉरेन ट्रेड में फाइनेंस करते थे, उन्होंने भी फाइनेंसिंग करनी बंद कर दी। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ। अब जैसे जैसे बॉयकॉट मूवमेंट बढ़ता जा रहा था, लोगों ने बॉयकॉट मूवमेंट के दौरान इम्पोर्टेड गुड्स यूज़ करनी बंद कर दी, एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जहाँ पर लोग पहले फॉरेन गुड्स पहना करते थे, वहाँ पर उन्होंने इंडियन गुड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल और हैंडलूम की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। अब शुरू में तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल था, लेकिन बाद में ये स्लो हो गया बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। नंबर वन रीज़न वाज दैट खादी वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड इंडिया वाज अ पुअर कंट्री। Poor people cannot afford the khadi cloth which was very expensive for long period. पहले वो foreign goods जो कि cheap machine made goods थी उसको use कर रहे थे, और क्योंकि गरीब होने की वजह से वो long period तक खादी को afford नहीं कर सकते थे, तो बाद में एक साल के बाद उन्होंने फिर से cheap machine made goods जो कि Manchester से आ रही थी उनको use करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने, टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बायकॉट कर दिया, लेकिन अल्टरनेटिवली वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे ताकि वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बायकॉट करके इंडियन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर लेते, लेकिन उस टाइम पे कोई भी इंडियन स्कूल नहीं था, ना ही इंडियन कोर्ट्स थी, तो और अगर इंडियन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया भी जाता तो उनको बहुत टाइम लगने वाला था। सो दैट्स वाई अगेन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ज्वाइंड बैक दी स्कूल्स, एंड लॉयर्स ऑल्सो ज्वाइंड बैक वर्क इन दी गवर्नमेंट कोर्ट्स। नाउ दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।